समूह है, वो चतकों का समूह यहाँ इकट्ठा हो गया है। वंशी को सुनकर के सारे चतक गण पक्षी गण भी एकत्रित हो रहे हैं। मधुमंगल कह रहे हैं, हा हा देखो देखो, शब्द साधारण प्रताल कोस्मी कंकर संजीतम खलुता। बोले हाँ, मैं ये समझ रहा था कि ये कलिया समझ रहा था कि ये चतक पक्षी आए हैं, परंतु ये चतक पक्षी नहीं है, ये तो कंकर संजीतम एतर श्री राधिका पढ़ा रही है। और इतने में ही श्री राधिका पढ़ाती हैं और राधिका कहती हैं, अमृतम पिबस सुमधुरम बमत रुतम विश्वमोहनम विषम तवन भूषण अथवा मुरली यतो दारणास कृता। कि अरे मुरली, हाय हाय, जगत की रीति ये है कि जो खाया जाता है सो टकार आती है, परंतु यहां पर उल्टी बात है। अरे वंशी, तू पीती तो है श्याम सुंदर के अधरामृत का और स्वर्ग के रूप में यह विषुगलती है। हम कृष्ण प्रेमिका कर कैसे ही तेरे इस वंशी निनाद को सुनकर के व्याकुल हो जाती है। तो अद्भुत है, अद्भुत है। अमृतम पिबसि सुमधुरम और बमति रुतम विश्वमोहनम विषम। तू विश्व को मोहित करने वाले विश्व को ही बमति, उसकी ही उल्टी करती है, उसका बमन करती हुई विराजमान है। तब न दूषणम अथवा मुरली यतो दारुणासी कृता। बोले अरे, किसी के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। अरे मुरली, क्योंकि यतः दारुणा, तू दारू शब्द के दो अर्थ होंगे, दारू माने लकड़ी माने बांस और दारू माने कठोर। तो माँ बाप का जैसे गुण बेटे में आता ही है, ऐसे ही दारुण जो दारू है, दारू माने लकड़ी, कठिन चित्र जो लकड़ी है, उन लकड़ियों का गुण तुझ में भी आया है। जैसे हेरिडिटी वो आएगी ही आएगी, जो वंशांश संक्रमण है उसको नहीं बदला जा सकता है, जो पर्यावरण है उसको बदला जा सकता है। व्यक्तित्व के निर्माण में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये दोनों वस्तुएं समान रूप से कार्य करने वाली होती है। एनवायरनमेंट को तो बदला जा सकता है, वातावरण को बदला जा सकता है, परंतु वंशांश संक्रमण को नहीं बदला जा सकता। तेरा जन्म हुआ है कठिन बांसों से, इसलिए तू तो बांस ही, बांस के समान कठोर शब्दों को ही कहेगी। ऐसे जैसे ही कहा, इतने में ही कह रहे हैं, आह हला पुरता है ललता जी। अब ये असली ललता और कृष्ण आ गए, असली ललता और श्री राधिका आ गई। ललता कह रही है, अभी सखी सामने पुन्नाक वृक्ष के नीचे कृष्ण विराजमान है। मधुमंगल कह रहे हैं, आश्चर्य आश्चर्य, पूरे मार्गणियों अर्थात कथम स्वयमेव हस्ते उपस्थित। भैया, हम तो ढूंढने के जा रहे थे कहीं दूर, और जिस चीज को दूर ढूंढ रहे थे वो तो हाथ पे आकर के उपस्थित हो गई। ये वृंदा के साथ में सुवन तेरे पास में, अब वृंदा सुवन धोनी है, साक्षात ही राधा ललता है, पर कह रहे वृंदा के साथ में ये सुवन तुम्हारे पास में आ गया है। कृष्ण स्नेह सही देखे देखते हैं, वो कह रहे प्रिय सख्यो प्रविष्टों में दृष्टि, आहा दोनों मेरे प्रिय सखा मतलब वृंदा और सुवन मेरी दृष्टि के सामने आ गए हैं। प्रकामम आमोदते, मुझे आनंदित कर रहे हैं, ऐसा कहकर के कह रहे हैं, वो सखी नाम श्रामणे तसा सन्निधियताम। कि हे मेरे मित्रों के शिखामणि, आइए मेरे पास में आइए। राधा रानी कह रही हैं, असली राधा रानी है, वे असली ललता से कह रही हैं, स्मितम अपवादो, अपनी मुस्कान को रोक करके कि हला ललते माम का तो सुवलम एव जानाते तब वयस्य, कि तेरा ये जो सखा है ये तो मुझे सुवल समझ रहा है, ये मुझे राधिका समझ ही नहीं रहा है, ये तो मुझे सुवल समझ रहा है और सुवल कहकर के संबोधित कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं,
कि सखे मधुमंगल पश्य संविधानकस्य सौष्ठवम् यत् असौ साक्षात् कृतो राधिकैव समयस्य प्रतिभाति। देखो देखो आश्चर्य की बात है, क्या बढ़िया मेकअप है। मेकअप मैन की तो बस ड्रेस मैन और मेकअप मैन की तो जितनी भी पढ़ाई की जाए वो अद्भुत है। ऐसा मेकअप मैन कहीं ढूंढने पर भी मिलेगा नहीं त्रिलोकी में। बिल्कुल उतार करके रख दिया है राधिका को यहाँ इस मेकअप में। ड्रेस मैन ने मेकअप मैन ने बिल्कुल उतार करके यूं कि त्यों रख दिया है राधिका की पूरी सारी शोभा एक एक अंग में यहाँ पर यूं कि त्यों उतार करके रख दी है। अहो संविधान कस्य, संविधानक माने मेकअप करने वाले की सौष्ठवता को देखो। असौ साक्षात अकृतो राधिकैव, ये साक्षात राधिका ही समयस्य प्रतिभाति। बिल्कुल सुबल, बिल्कुल एकदम हूबहू राधिका जैसा ही लग रहा है। ऐसे श्री कृष्ण राधिका से मिल रहे हैं और मिले श्री प्रिया लाल दोनों का मिलन हो रहा है। इस मिलन में जीवन सरकार को आनंद होने दो। श्री प्रिया जी और लाल जी दोनों पास पास विराजमान हैं। आगे इस प्रसंग को, रस प्रसंग को जैसे मिले हैं उसको आगे वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी अधिवास भी होने वाला है तो उसका भी समय की सीमा है। फिर 20 तारीख को, मैंने 20 तारीख बाद में, मैंने 30 तारीख उसको 29 तारीख तक यहाँ पर ये कार्यक्रम चलेगा और बाबा का उत्सव भी है। तो फिर 30 तारीख को वापस हम लोग इसको रिज्यूम करेंगे। ये जो कथा प्रसंग है यहाँ पर कल 22 तारीख से और 29 तारीख तक विभिन्न प्रसंग है। पहले सप्ताह है, फिर इसके बाद में बाबा की सभा, कीर्तन और श्री बाबा का उत्सव, बड़े बाबा जी माने, फिर इसके बाद में तो ये 29 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। 30 तारीख से फिर से इस कथा प्रसंग यहाँ पर गोविंद जय जय। ऐसा ही है ना, कहीं कोई गलती तो नहीं है ना? हाँ जैसा कहीं कार्यक्रम में जैसा बोलो शुद्धताय गौर हरि गोविंद जय जय राम कृष्ण गोविंद Yeah.